Good morning, children. Good morning, everybody. Okay. Good morning. Go up, sir. बहुत खुश. नाश्ता करकर आराम से है और सब खुश होते हैं. आरोग्य भी बहुत सुंदर है. इसलिए आज मैं आपको क्लास नए विषय से ले रही हूँ. ओके, कल की क्लास में क्या हुआ था? एक बारे में मैं कहेंगे क्या हुआ. थोड़ा दिमाग में जाना है ना, इसलिए कल के क्लास क्या हुआ? इस क्लास में हुआ था हम सड़क पर कैसे चलना है, सड़क पर क्या क्या रहता है. ये शहर का बहुत तो गर्मी वातावरण रहता है ना. आप सभी शहर वाले, कुछ लोग विलेज वाले भी रहते हैं, गांव वाले भी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शहर और गाँव में रहने वाले को शहर बहुत पसंद होता है. शहर में रहने वाले को गांव बहुत पसंद है, क्योंकि एक चार दिन के लिए वो वातावरण चेंज, माइंड चेंजेस के लिए आपको बहुत कुछ देता है. लेकिन सबके लिए बहुत अच्छा क्या दिखता है हमें? गांव का वातावरण. गांव का वातावरण कैसे रहता है? और शहर का गांव भी नहीं है ना, ऐसी गर्ल्स है, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, जीवरा पट्टी में ही जाओ, हरी बत्ती जलने से में ही जाना, ऑरेंज बत्ती जलने से रेडी होना, अब रेड के स्टाफ होना, ऐसा रहता है. लेकिन गांव में कुछ नहीं रहता. आप सभी मुझे एक जॉब दीजिए, क्योंकि आप क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है, गांव अच्छा लगता है या शहर? आपको सभी बच्चों को क्या अच्छा लगता है? गांव है ना. आप सबको गांव क्यों? क्योंकि गांव में दादा दादी, नाना नानी, चाचा वो सभी रहते. एक में को दादा रहते, एक में को दादी रहते, एक में को चाचा रहते, एक में को मौसी. ऐसे बहुत संबंध रहता है, बहुत इंटरेस्ट फैमिली रहता है. लेकिन आप सभी अब छह कहाँ चलेंगे? गांव चलेंगे. गांव चलकर क्या देखेंगे? दादाजी का बगीचा. आज के लेसन है हमें दादाजी का बगीचा. दादाजी का दादाजी का बगीचा क्या देखेंगे हम? दादाजी का बगीचा, ग्रैंडफादर का, ग्रैंडफादर्स गार्डन. क्या है? ग्रैंडफादर्स गार्डन. हम सब जाकर कहाँ गए हैं? हमारे दादा के गांव को चले हैं. हम भी चले, आप भी चलो. चलो देखेंगे 40 पेज नंबर. आप सभी ये लेसन मैं पढ़ती हूँ, आप देखो, बाद में हम सुनेंगे. राघव, देखो दादाजी की, दादाजी ने पौधे लगाए हैं. लक्ष्मी, पौधों की पूरी 5 पंक्तियां हैं. हाँ राघव, चलो पौधे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये पंक्ति में पूरे 15 पौधे हैं. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात,
लक्ष्मी। कौन है ये दोनों? बाप बहन, दोनों भाई बहन है। वो दादाजी के घर चले। देखो दादाजी ने पौधे लगाए थे। कौन सी कौन बोले है पौधे क्या है? प्लांट्स। शशि पौधे लगाए। राघव बोल रहा है दादाजी। दादाजी कौन है? ग्रैंड दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। दादाजी क्या लगा है? पौधे लगाए हैं। पौधे प्लांट लगाए हैं। कहाँ? बगीचे में। उसके गार्डन में क्या लगाए है? छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। लक्ष्मी ने कहा पौधों की पूरी लक्ष्मी प्लांट्स को कुल मिलाकर कितने हैं? पांच पंक्तियां। पांच पंक्तियां मीन्स फाइव लाइन है। कुल मिलाकर फुल हाउ मेनी प्लांट्स? प्लांट्स हाउ मेनी प्लांट्स है? पांच लाइन प्लांट्स है। कौन बोले? लक्ष्मी बोलते हैं। राघव चलो पौधे कितने हैं गिनेंगे। चलो लेट्स गो। हाउ मेनी प्लांट्स देखेंगे? और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। ये नारियल का पेड़ है ना? नारियल का देखो, ये नारियल का पेड़ है। नारियल के पेड़ में कितने हैं? नारियल के पेड़ कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री का कुल मिलाकर पंद्रह है। कितने हैं? पंद्रह है। ये प्लांट्स है छोटे छोटे भी। ये दस है। ये कुल मिलाकर दस सौ ये है। दस ये नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ पर पौधे प्लांट्स कुल मिलाकर पंद्रह। फुल पंद्रह है। एक पंक्ति में पूरे पंद्रह पौधे है। वन लाइन है फाइव फिफ्टी प्लांट्स है। एक और बोला है राघव बोला है। लक्ष्मी उधर देखो, कुछ गुलाब के पौधे हैं। कौन है? गुलाब। गुलाब रोज। रोज के प्लांट्स है। राहुल गुलाब के कुल पंद्रह बारह पौधे हैं। हाउ मेनी गुलाब रोज प्लांट्स कुल मिलाकर बारह फेल कितने हैं? स्वेल है। और लक्ष्मी ने कहा माइट और नारियल के पेड़ गिनती
लाइन में 10 पेड़ है, कितने हैं 10 नारियल का पेड़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नारियल का पेड़ है, ये लक्ष्मी ने कहा। चलो अब ग्रास में खेले, ग्रास में क्या है, ग्रास में खेलेंगे, ये क्या है ग्रास में भी ग्रास फुल ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ 10 ಇದ್ದಾವೆ, 10 ಮರಗಳು
ಬೆಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಕಾಣಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಏಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾರಂತ ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ದೇಖೋ ದಾದಾಜಿನೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಾದಾಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದೇ, ಸಸಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಏನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ದಾದಾಜಿ? ದಾದಾಜಿ ಏನು ಹಚ್ಚಿದ್ರು? ದಾದಾಜಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳನ್ನ, ಹೌದೇ ಹೌದಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬೇಕು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೌದೇ. ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ? ಗುಲಾಬಿಯ ಗುಲಾಬಿಯ ಸಸಿ ಇದಾವೆ. ಗುಲಾಬ್ ಗುಲಾಬಿನ ಸಸಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಚಲ ಹಬ್ಬು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಾಸ್ ಗಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ಇದನ್ನೇ ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಥರದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪಾಠ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಹುತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಜಾನೆ ಕವರ್ ಹಿ ದಾದಾಜಿ ಔರ್ ನಾನೀಜಿ ಜೈಸೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಏನಾ ಬಹುತಿ ಲವ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲೇ ಹಮ್ ಸಭಿ ಮಾ ಚಲತೆ ಆಪಿ ಚಲೋ ಮೈ ಬಿ ಚಲ ಆಜ್ ಕೆ ಎ ಲೆಸನ್ ಅಪ್ಕೋ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯಾ ಸಮಜ್ ಕರ್ ಮೈ ಆಜ್ ಕಾ ಸಮಾಪ್ತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.